हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कल के लिए दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं जो आपको इंटरडे मार्केट में जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाजार। तो बाजार कल जिस प्रकार से क्लोज़ हुआ था, आज भी उसी प्रकार से हमें क्लोज़ होते देखने को मिला है। देन अगर यहाँ पर हम देखें तो निफ्टी उतनी ही तेज़ी से क्लोज हुआ जितनी तेज़ी से कल क्लोज होता। निफ्टी नेक्स्ट 50 इतनी ही गिरावट हमें कल भी दिखाया था, आज भी दिखाया। मिड कैप में इतनी गिरावट कल भी थी, आज भी थी। और बैंक निफ्टी आधे परसेंट की तेज़ी कल भी होल्ड किया था और आज भी किया। और इसी रेंज में सेंसेक्स भी हमें देखने को मिला है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट हमें थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिला है। अब देखिए, US में एक्सपेक्टेशन था कि 0.25 जो है दोस्तों रेट कट होंगे, लेकिन वहाँ पर 0.5 हो गए। सभी दोस्तों पूरे ग्लोबली मार्केट काफ़ी अच्छे खुश रहे, ठीक है। उन्होंने महंगाई का जो डाटा है वो भी कम होते हुए बताया कि आगे भी और कम होगा, ठीक है। रेट कट से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो सभी बाज़ार खुश रहे, हमारे बाज़ार भी खुश थे। लेकिन बीच में जब हमारे बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके कारण दोस्तों खास करके मिड कैप में और स्मॉल कैप में, जिसके कारण दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर देखने को मिला। अदरवाइज आज भी हम अच्छे खासे क्लोज होते हैं। खैर कोई बात नहीं, कंटिन्यूसली बेसिस पे मार्केट का मोमेंटम बढ़िया है, हमें बढ़िया देखने को मिल ही रहा है। आगे जैसा भी अपडेट आएगा मार्केट के रिलेटेड हम जरूर कवर करेंगे। तो अभी हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो आपको कवर कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक में ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। देन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये हमारा सपोर्ट था। लगभग ये सपोर्ट हमें 1400 रुपये के समथिंग देखने को मिल रहा था, तो वही 1400 रुपये के समथिंग उसने सपोर्ट लिया और यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। अभी मैंने आपको वॉल्यूम दिखाया कैसा था और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कैसा है। मतलब कहीं ना कहीं गिरावट जरूर आई है, तो हो सकता है कि इस लेवल तक एक अच्छी खासी रिकवरी आए, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट हो गया, ये रिजेक्शन हो गया। अब इसको ब्रेकआउट देता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर वहाँ से गिरता है और ये लेवल को तोड़ देता है तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। खैर हम अभी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और यहाँ कहीं पर वो टेस्टिंग करेगा रिजेक्शन को। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेड लें, और अगर स्टॉक यहाँ तक भी आता है तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हम इसी कारण से स्टॉक को बाय करके ही चलेंगे। कल की डेट में अगर 1410 पर स्टॉक मिलता है तो बढ़िया बाय करेंगे। 1420 रुपये का पहला टारगेट लगाएंगे और 1430 रुपये का दूसरा टारगेट लगाएंगे, ठीक है। SL की अगर मैं बात करता हूँ 1400 रुपये का लगाएंगे। अगर ये SL टूटता है तो डेफिनेटली दोस्तों जो हमारा SL है वो अगर हिट भी हो जाता है तो फिर एक्सपेक्टेशन है कि एक बड़ी गिरावट हम देख सकते हैं। और अगर नहीं तो जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाए तो हम सेकेंड टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन SL को कॉस्ट पर ले आएंगे, ठीक है। इस हिसाब से हम अदानी पोर्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। चलिए एक और पॉइंट अपडेट करना चाहूँगा, यह है दोस्तों हमारा प्रॉफिट गुरु FnO Call का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर डेली बेसिस पे मार्केट के बारे में बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपडेट की जाती है। आज भी बताया कि बैंक निफ्टी का 53200 का लेवल और 53000 का लेवल, बहुत दिनों में दोस्तों एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला, ठीक है। और निफ्टी के बारे में बताया कि निफ्टी का दोस्तों 25550 के लेवल और 25500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। फिर हमें जैसे ही दिखा कि सपोर्ट लेवल टूट चुका है दोस्तों बैंक निफ्टी का, पुट साइड में काम किया, बढ़िया तरीके से टारगेट यहाँ पर डन किया। देन उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया कि आप देख सकते हैं कि जो एक अच्छा खासा मोमेंटम था उस मोमेंटम से हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम दोस्तों कैप्चर किया। मतलब डेली बेसिस पे इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट की जाती है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है। मार्केट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो आप लोगों को पता चलते हैं, जिससे आप दोस्तों ट्रेड लेने में काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट पता चलता है, मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। मार्केट की जो सेगमेंट रहती है, जैसे कि मान लो कि आज पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, ठीक है, या नेगेटिव सेंटीमेंट में, ये आपको पता चल जाता है। कहाँ से ब्रेकआउट, कहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, ये पता चल जाता है। सारी चीज़ें आप लोगों को यूं ही पता चल जाती है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टॉक के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो सेकेंड स्टॉक है उसका नाम है KEC।
केआईसी की अगर मैं बात करता हूँ, यह स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिले जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ पर टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, देन उसके बाद फिर से यहाँ टॉप बनाया, देन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग है। तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि उसी लेवल से उतनी ही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी और यहाँ पर भी अभी उतनी ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ समय बिताया था, यहाँ पर कुछ समय बिताया, देन उसके बाद अगर यहाँ पर समय बिताने के बाद अगर बायर एक्टिवेट होते तो ऊपर ले जा सकते हैं, अगर अदरवाइज सेलर एक्टिवेट हो गए तो ये लेवल के नीचे हुए स्टॉक को ला सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े जो रेंज में यही मोमेंटम हमें खाली देख रहा है, उसके बाद और कुछ भी मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो केआईसी में इसी प्रकार से हम स्टॉक को शॉर्ट करके चलने वाले हैं। अगर कल की डेट में ये स्टॉक हमें 990 रुपये पर मिलेगा तो बढ़िया तरीके से शॉर्ट करेंगे, 980 का पहला टारगेट लगाएंगे, 970 का दूसरा लगाएंगे। एसएल की अगर मैं बात करता हूँ तो 1000 रुपये का एसएल लेकर चलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम केआईसी पे फोकस करेंगे। जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होगा तो सेकंड टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन एसएल को कॉस्ट पर मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे दो बेहतरीन स्टॉक, दोनों पे हमने हमारा टेक्निकल एनालिसिस आपको अपडेट कर दिया है, आप भी अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर लगाइएगा, उसके बाद आगे जैसा भी अपडेट आता है हम जरूर आपको कवर करेंगे ही। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू दोस्तों।